नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चुनावी तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही प्रत्याशी ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी उनके लिए वोट मांगने से पीछे नहीं हट रहे। इसी के चलते केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज दोपहर पूर्व हरियाणा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन के पुत्र प्रद्युमन महाजन व पौत्र लोकेश महाजन से मिलने उनके सेक्टर 14 स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। वह उनसे लोकसभा चुनावों की चर्चा करते हुए अपने बेटे व हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ब्रिजेंद्र सिंह के लिए सहयोग व समर्थन की मांग की। इस अवसर पर महाजन परिवार से जुड़े दर्जनों अन्य लोग भी उपस्थित रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने महाजन परिवार के सदस्यों से मिलकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन के साथ बिताए पुराने दिनों को भी याद किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जलपान के दौरान राजनीतिक चर्चा करते हुए चुनावों में सहयोग देने की बात की। महाजन परिवार ने उन्हें अपने समर्थकों व बंधुओं से विचार करके जल्द ही कोई फैसला लेने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला प्रधान सुरेंद्र पुनिया, वरिष्ठ नेता विजय कौशिक, श्याम ठकराल एडवोकेट, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अजय बत्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन के पौत्र लोकेश महाजन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन जी के निवास स्थान पर और उनके पोते हैं लव महाजन, उनसे हम लोग बात करेंगे राजनीति के बारे में। जैसे मार्केट में जो चर्चाएं हो रही हैं उसके विषय पे जानेंगे कि इनसे क्या, कौन सी पार्टी में और कौन सी पार्टी में आगे जाएंगे या किस तरह का इनका डिसीजन है इस विषय पे। लवी, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पहले आप इंडियन नेशनल लोकदल में थे, जैसे स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन जी ने आपको वहाँ छोड़ गए थे, वहीं आप लोग रहे और आपके दादी जी यहाँ से सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी इंडियन नेशनल लोकदल बनाया, उसके बाद अब आप लोग कहाँ पे और क्या स्थिति है राजनीति में? देखिए, मेरे दादा स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन जी ने सन 1999 में चौटाला साहब के साथ में उनके मंत्रिमंडल के अंदर काम किया। उसके बाद मेरी दादी को 2002 के अंदर राज्यसभा में भी चौटाला साहब ने भेजा। लेकिन आज जैसे कि हर कोई जानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी एक दो अलग फाड़ के तरीके से दो पार्ट अलग अलग हुए हैं, पारिवारिक तौर पे भी अलग हुए हैं। तो उसके बाद में एक असमंजस की स्थिति हम लोगों के साथ में हो गई कि हम किस करवट जो है किसके साथ जाएं। तो लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो दोनों से अगर आप देखें तो चौटाला साहब के साथ में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, अजय सिंह जी के साथ में बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है, अभय सिंह जी के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई जिसमें हम ये फैसला लेने में एक एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे कि हम किस तरफ जाएं। तो इस वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल में हम काम कर रहे हैं या जेजेपी में काम कर रहे हैं। तो हमारा, मेरे पिताजी के साथ में भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई, तो अभी हमने फैसला इस बारे में नहीं लिया था कि हमने कहाँ जाना है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि हम इंडियन नेशनल लोकदल में हैं या जेजेपी के अंदर हैं, हम आज किसी भी पार्टी के अंदर नहीं हैं। जी, जैसे अब राजनीति सरगर्मियाँ तेज है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपके पास अलग अलग पार्टियों के नेता भी आते होंगे और जैसे कि आपको समर्थन के लिए या पार्टी ज्वाइन करने के लिए, जैसे अभी रिसेंटली कुछ नया सुनने में आया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आज आपके निवास स्थान पर आए हैं, तो क्या ये चर्चाएं? बिल्कुल, ये चर्चा बिल्कुल ठीक सुनी आपने कि चौधरी वीरेंद्र जी आज हमारे निवास स्थान पर आए थे। एक शिष्टाचार के नाते उन्होंने एक भेंट करी, हमारे परिवार से मिले, क्योंकि स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी महाजन मेरे दादाजी जो, वो हर संगठन के अंदर उन्होंने काम किया है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा और हर संगठन के व्यक्ति के साथ में एक अच्छे संबंध रहे उनके। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ भी उन्होंने काम किया, एक साथ में मंत्रिमंडल के अंदर वो रहे थे। और सन 1984 की बात है तो लोकसभा से वीरेंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तो उसके सहयोग के लिए महाजन साहब को जो है उन्होंने सहयोग मांगा था और महाजन साहब ने उनको सहयोग दे करके विजयी बनाने का काम किया था। तो उसी एक पारिवारिक तौर के नाते से उन्होंने आज हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में एक भेंट करी और अपने जो बेटे हैं उनके विजेंद्र सिंह जी, उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने यहाँ पर हमारे पास में आए और राजनीतिक चर्चा भी हुई, पारिवारिक तौर पर चर्चा भी हुई। तो ऐसे बहुत से राजनीतिक लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो
चाहते हैं, चुनाव का दौर है, हर कोई जानता है कि, और हर कोई चाहता है कि राजनीतिक तौर पे परिवार है तो उसका एक सपोर्ट हमारे को मिल जाए, जिस प्रकार से कुलदीप जी हैं। अब उनके साथ में चौधरी भजनलाल जी के साथ में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। चौटाला साहब के साथ में पहले अच्छे रिलेशन थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो एक रिलेशन जो है वो हर किसी का, हर पॉलिटिकल फैमिलीज़ के साथ में, हर किसी के साथ में है। लेकिन ये फैसला आज हमें लेना है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो साथी हैं, परिवार के साथी हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे से जुड़ी हुई हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक संगठन के साथ में जुड़ करके हिसार को विकास की ओर ले जाने का काम करें, जिस प्रकार से मेरे दादाजी ने हिसार को एक अच्छे लेवल की वर्किंग करके हिसार का नामो निशान चमकाया था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस हमसे भी हैं कि हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन के साथ में जुड़ करके राजनीतिक तौर पे आगे एक कदम बढ़ाने का काम करें। लवी जी, जैसे हम लोग देखते थे, आपके दादाजी थे, आप छोटे से थे, उस टाइम आप जाते थे साथ में, जाना उनके साथ हर जनसभा में आपने वो करना, तो उसके बाद जैसे उनका स्वर्गवास होने के बाद आप को जैसे दादी जी राज्यसभा सांसद रही, उसके बाद ना आपके परिवार से राजनीति में इतनी सक्रिय आप लोग नहीं रह रहे, ये क्या कारण है? जैसे आप युवा हैं और आपको इस पॉलिटिक्स में, जैसे आपके परिवार सारा पॉलिटिक्स में था, तो आपको इसमें आगे बढ़ाने के लिए, उनको बागडोर संभालने के लिए करना चाहिए था। देखिए, जब मेरे दादा जी का स्वर्गवास हुआ सन 2001 में, तो उस समय मैं 12-13 साल का था और ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं अपने समाज के अंदर एक, मेरे को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी। लेकिन आज मैं तकरीबन 32 साल का हूँ, तो आज मैं सक्षम भी हूँ और इस लायक हूँ कि मैं आज समाज के लोगों की आवाज़ को उठा करके आगे उसकी लड़ाई लड़ सकूँ। लेकिन ये जो समय था, जो आपने कहा कि इतने समय से नहीं थे, उसका कारण यही था कि मैं उस समय, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में जाकर के अगर मैं करता तो वो ना हो पाती। तो इसलिए हमने ये संभव, ये जो है, ये सोचा, ये विचार किया, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम भी अपने आप को दिया कि एक तो एक मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं काम, एक फैक्टर काम करता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारी ये देरी रही कि हमारा जो समय था बीच के अंदर वो छोटा था, मेरी जो उम्र थी वो छोटी थी, तो इस कारण से जो है वो। अब आप यंग हैं और आप जैसे कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग आपसे संपर्क कर रही हैं, तो कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको कौन सी पार्टी में आस्था जता रहे हैं? देखिए, ये तो अभी इस बात का फैसला तो हम बैठ करके अपने परिवार के अंदर, अपने जो साथीगण हैं उनके साथ में बैठ करके करेंगे कि हमारा आगे भविष्य क्या है, कौन सी पार्टी जनहित के लिए, अपने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छी है, और जो आगे हर चीज़ के मुद्दे की लड़ाई को लड़ करके विकास की ओर ले जाने का काम करेगी। इस बारे में हमने बैठ कर चर्चा आज या कल में करनी है, उसके बाद में हम फैसला देंगे। जैसे मार्केट में चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, आज जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके निवास स्थान पर आए हैं, उसी के चलते लोगों का ये भी है कुछ दिन में, एक दो दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री की उसमें उपस्थिति में आप लोग शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, आपको पता है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनका घर है, महाजन साहब के साथ में उनका बहुत पुराना संपर्क था। मुख्यमंत्री जी भी शायद, जो मैंने सुना है, मैं छोटा था लेकिन मैंने ये सुना है कि मुख्यमंत्री जी भी जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, जिस समय महाजन साहब संघ के अंदर कार्य करते थे, तब से लेकर के मुख्यमंत्री जी का महाजन साहब के साथ में एक जुड़ाव था। तो आएंगे, उनका परिवार है और शिष्टाचार के नाते उनका घर है, तो कभी भी आ सकते हैं और उस चीज़ पर हम विचार करेंगे। लेकिन हमसे आपके बातों से, आपकी उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी आस्था जाहिर हो रही है। देखिए, ये तो राजनीति में संभावनाएं हो सकती हैं, और जैसे कि मैं, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छा कार्य किया, इसमें कोई दोराय नहीं। आपने जैसे अगर देखा, पीछे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो एक युवा साथी हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएँ हों, या कर्मचारी हो या व्यापारी हो, हर कोई इस स्टेप से एक पॉजिटिव वे के अंदर खुश था कि हमारा देश जो है एक सेफ हैंड्स के अंदर है। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी की से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, तो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। संभावनाएं हैं, हर कोई टच में है, कुलदीप जी भी टच में हैं, वीरेंद्र सिंह जी आए, उनका मान सम्मान है, हर किसी का मान सम्मान है। तो लेकिन इसका फैसला इस बारे से हम रिलेट नहीं कर सकते कि आज मैंने आपको ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई या नोटबंदी का फैसला हुआ, GST लागू की गई, ये जनहित के कार्य थे,
लेकिन मोदी जी ने इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत अच्छे कार्य किए, विपक्ष के लोगों के पास में भी आज की डेट में उनके प्रति ऐसी कोई बात नहीं है जो उनके खिलाफ बोल सके। जैसे इन लोगों के दो फाड़ होने के बाद जेजीपी के जैसे देख जाओ, दुष्यंत जी के साथ आपके अच्छे संबंध भी थे और पिछले दिनों आप उनके साथ कहीं कहीं दिखाई भी देते थे, तो क्या आप दुष्यंत जी के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे? देखिए, दुष्यंत जी के साथ में मेरा संपर्क आज का नहीं है। मैं दुष्यंत जी को तब से जानता हूँ जब वो राजनीति में नहीं थे, मैं भी राजनीति में नहीं था, हम छोटे हुआ करते थे। मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी यहाँ से राज्यसभा सांसद थी, तो दुष्यंत जी अमेरिका में पढ़ा करते थे, मैं यहाँ था, तो हमारी उस समय से एक जान पहचान आपस में इंटीमेसी थी। तो अब ऐसे तो भव्या जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ये भावनाएं देखो, अब एक रिलेशन अलग जगह है, दोस्ती अपनी अलग जगह होती है, लेकिन राजनीति की बात आ जाती है तो जब देखो घरों के अंदर दो फाड़ हो सकते हैं, तो हमारा भी एक राइट है कि हम भी एक अच्छा और साफ सुथरा डिसीजन लें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे सोचने में कोई गलत नहीं होगा कि कुछ दिन में, एक दो दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, ये मैं आपको फिर दोबारा से बात कह रहा हूँ कि हम इस बारे में बैठ करके घर परिवार में चर्चा करेंगे, समाज में चर्चा करेंगे, हमारे जो बुजुर्ग साथी जो बाबू जी के साथ में जुड़े हुए थे, जो भी कार्यकर्ता साथी जो भी हमारे जुड़े हुए थे, उन सब के साथ में चर्चा करेंगे, उसके बारे में फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हमें किस पार्टी में जाना चाहिए, कौन से हमारे हक में है, हमारे समाज के हक में है, हमारे प्रदेश के हक में है, हमारे शहर के हक में है, तो इन चीज़ों के बारे में फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाएगा। ये थे लवी महाजन, जो कि स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन जी पोते हैं, और इनसे जैसे हम लोगों ने बात की, इनका ये कहने का तात्पर्य यह था कि भारतीय सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, जेजीपी, सभी के जो पार्टी के शेष नेतृत्व है उनसे संपर्क में, और अगर ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जेजीपी, और ज़्यादातर तो जो दिखाई दे रहा है मार्केट में जो बात आ रही है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर ये ज्वाइन करते हैं तो बाकी पार्टियों को यहाँ से हिसार क्षेत्र से नुकसान हो सकता है। कैमरामैन सोम्या माथुर के साथ रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। ऐसी ही राजनीतिक खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़, वे हमारे फेसबुक व यूट्यूब ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।